मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। बज रहे सुबह के 8। मैं जस्ट उठी हूँ अभी, मेरे को जाना है फिर से अहमदाबाद से मेहसाना। मेरी आज एग्ज़ाम है, तभी हम लोग फ्रेश होंगे, चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद चलेंगे मेहसाना। जस्ट मैं व्लॉग शूट कर रही थी और मम्मी ने बोला बाहर का एटमोसफियर दिखा, तो ये देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब पूरा वाइट 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 वाइट। यहाँ पर भी ऐसा ही है और वो भैया देखो पूजा कर रहे हैं। मतलब कि मम्मी ने मेरे को ऐसा बोला कि सुबह 7 बजे जब विधान एग्ज़ाम देने का ना, तब तक तो पूरा यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब कि हम लोग एक्टिवा चला रहे हैं, उसकी हेडलाइट चालू है, तो बस उतने तक का ही दिखेगा, आगे का कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा एटमोसफियर है अभी यहाँ पर, तो कहीं देखते हैं अभी। अपने तो उठ चुके हैं, मैं नीचे जाके रेडी हो जाएंगे। 8:30 बज रहे और मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के, अपने ऑल सेट। अभी पापा जस्ट उठे, वो फ्रेशन अप हो रहे हैं, वो उठ जाएंगे, उसके बाद वो मेरे को छोड़ने आएंगे गोता क्रॉस रोड, उसके बाद मैं चले जाऊँगी मेहसाना मेहसाना मेहसाना। यहाँ पे तो बटर मिल्क में रोटी फ्राई होने की तैयारी मम्मी ने करके रखी है, अभी इसको पापा तड़का लगाएंगे, कोई बात नहीं। और अपनी चाय बन रही है, चाय ये सब रेडी करके रखा हुआ है। पापा आएंगे और इसको तड़का लगाएंगे, वेरी गुड। तो नाउ इट्स टाइम फॉर टी। मैं पहुंच चुकी हूँ मेहसाना, मेरी बहन लेने आ चुकी है मुझे, तो अभी जाएंगे खाना खा के सीधा एग्ज़ाम देने। तो मिलती हूँ आपको मैं मासी के घर जाके। तो मैं आ चुकी हूँ मेरी मासी के घर फिर से और मैं जा रही हूँ फिर से एग्ज़ाम देने के लिए। तब तक के लिए आप देखो कि सूरत में प्रेरक मेरे बगैर क्या कर रहा है। तो भाई लोग, मेरी तरफ से आप सबको गुड इवनिंग। बाकी अभी बज रहे हैं दोपहर के ऑलमोस्ट 2:15 जैसे, और मैं घर पे नहीं था, मैं ऑफिस से घर आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को भैया और भाभी को एक जगह पे लेके जाना है। मैंने आपको बोला था ना, भैया भाभी गाँव से आया है बराबर, तो वहाँ पे उनको लेके जाना है। बीच में मेरे को एक बैंक का काम है, वो भी मैंने आपको बोला था सैटरडे को कि मेरे को बैंक जाना है, लेकिन सैटरडे को बैंक बंद थी क्योंकि 4th सैटरडे था, ऐसा कुछ था। तो चलते चलते हैं, वो काम सब निपटाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये साला बाल मेरे, ये वाले बाल है ना मेरे, कभी ठीक से सेट नहीं होते। ये देखो, ये इतनी कल की बाहर ही रहती है ऐसे। बट चलो कोई नहीं, दिखाते हैं आपको, चलते हैं फटाफट, कि भैया भाभी को भी जो जगह पे पहुंचना है उन लोग को टाइम पे पहुंचना है, तो अपन भी टाइम वेस्ट नहीं करते और चलो चलते हैं। तो सीन ऐसा हो गया है कि भैया और भाभी का अभी लंच बाकी है, तो वो लोग लंच कर रहे हैं, तो उतनी देर तक मेरे को मेरा बैंक का जो काम है वो मैं फटाफट से ख़त्म करके आ जाता हूँ, क्योंकि उनको लंच करने में ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा तो हो ही जाएगा। तो उतनी देर में मेरा बैंक का काम फटाफट से ख़त्म करके आ जाता हूँ, फिर उनको लेके चलता हूँ। काम पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है और आप लोग मानोगे नहीं, मेरे को ऐसे रेगुलर घर से बैंक पहुँचने में मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगती है, और आज मेरे को पौना घंटा लग गया, पौना घंटा। ओ भाई, जो ट्रैफिक था, सोच नहीं सकते वैसा ट्रैफिक था। किसकी वजह से? क्योंकि सूरत में मेट्रो का काम चल रहा है, उसकी वजह से। साला मेरे को एक बार के लिए ऐसा हो गया, साला एक्सपेंस के और उसके मामले में तो सूरत ऐसे मुंबई, मतलब मिनी मुंबई जैसा था, इतना एक्सपेंसिव। अभी साला ट्रैफिक के मामले में भी मुंबई जैसा होने लगा है। भाई आप मानोगे नहीं, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। ये तो अच्छा हुआ मैं ये अपनी छोटी धन्नों पे आया हुआ था, तो ऐसे फटाफट ऐसे ऐसे करके निकल गया। सोचो अगर भाई भाभी को लेके आया होता, ओ माय गॉड, और फोर व्हील में होता, हालत ख़राब हो जाती। उनको भी जो टाइम पे पहुंचना होता, वो तो चलो टाइम चला ही गया, लेकिन अभी भी है अपने पास 1-8 घंटा।
जितना हो सकता है उतना फटाफट मैं पहुंचता हूँ घर और बाकी की अपडेट आपको वहाँ पे देता हूँ। घर पहुँच गया और रास्ते में आते आते मम्मी का फोन आया, भाई बोले तू पागल है। मैं बोला क्या हुआ? बोले तूने कल रात का कुछ खाया नहीं है। बोले लंच नहीं करना है तेरे को। मैं बोला चल आता हूँ लंच भी कर लेता हूँ, पहले फटाफट लंच करता हूँ फिर लोगों को लेकर भाग लेते हैं। ये बच्चा एक तो स्कूल से बंक मार के आ रहा है। हम लोग भाई भाभी को लेके मैं हॉस्पिटल जा रहा था और ये देखो ये हमारी सवारी हमारे साथ। बोलो बेचारे बच्चे की स्कूल है, उसके पापा लेने ही नहीं आए, मेरे को रखने जाना पड़ रहा है। मतलब इसको ड्रॉप करूँगा फिर भाई भाभी को लेके हॉस्पिटल जाऊँगा, सब काम ख़त्म करूँगा फिर हम आएंगे वापस। भाई अपनी गाड़ी में बहुत दिनों बाद बैठे ना, ऐसे अच्छी अच्छी फील आ रही है। और आज आपको कोई टाइम स्लिप वाइम स्लिप नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अपना ये होल्डर वोल्डर सब चला गया। क्या बोल रहा पवन हैं? क्या हंस रहा है? क्यों कुछ नहीं बोलना नहीं आता तेरे को? तो बोलना। क्या बोलूं? अरे तू बोल। क्या बोलूं? क्या क्या बोलूं बोल। बोलता रहा हूं। मजा आता है मेरे को इसके साथ। तो भाई लोग मैं तो बहुत मुश्किल से यार ये एक तो एकदम सिटी वाले एरिया में हॉस्पिटल में आए। भैया भाभी गए हॉस्पिटल, भाभी को कुछ चेकअप वेकअप करवाना था तो अभी एक डेढ़ घंटा तो उनको लग जाएगा, तो मैंने अपना जुगाड़ कर लिया है। और अपने जुगाड़ में क्या है? अपने जुगाड़ में है ये अपनी दो पानी की बोतल और एक किटकैट। आज पता नहीं किटकैट खाने का मन कर गया तो किटकैट ले ली। अभी शांति से सीट ऐसे पीछे करके बैठता हूँ और बस व्लॉग एडिट करूँगा या किसी के व्लॉग्स देखूँगा। घर आ गए और मैंने ये दरवाज़ा बंद किया ना तो ये पता चला, ये देखो ये निकल गया है पूरा। तो इसको ऐसे बंद करते हैं ना, ये देखो देखा ये आवाज़ आ रही है इसकी। अभी इसको सही करवाना पड़ेगा मम्मी पापा जाए इससे पहले, वरना अगर ये निकल गया तो पूरा गाड़ी का लुक ख़राब हो जाएगा। 5 बज गए, घर पे कोई नहीं है तो मेरे को भूख लगेगी क्योंकि लंच अपना ठीक से हुआ नहीं था। तो ये मैंने मेरी रेसिपी जो पाव भाजी के साथ में बनाता हूँ वो बना दिया। ये छाछ है, अगर इसका रेसिपी का वीडियो देखना है तो पिछले आगे के व्लॉग में दिख जाएगा। वो दादा के लिए पानी भर रहा है। रुचा की एग्ज़ाम ख़त्म होने का वेट कर रहा हूँ, वो एग्ज़ाम से निकलेगी तो मेरे को फ़ोन करेगी ना। मैं और आशु पार्लर गए थे तो वहाँ से ये सब इतना सारा नाश्ता लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि कल वो लोग गांव जा रहे हैं और अभी मेरे को दूसरा काम है और रुचा आ गई है एग्ज़ाम देके। तो आप लोग देखो रुचा क्या कर रही है। मेरी एग्ज़ाम हो चुकी है ख़त्म और मैं बाहर आ चुकी हूँ। मेरी सिस्टर की वेट कर रही हो, मेरे को लेने आ रही है। तो फिर देखते हो कितने बजे आती है। आज मेरी एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो गई, कब से खड़ी हूँ 5-10 मिनट से, वो आ ही नहीं रही है। बाहर रोड पे मेन रोड पे आके खड़ी रह गई और इतना चिल्लम चिल्ली हो रहा है ना यहाँ पे कि सर फट रहा है। आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कितना ट्रैफिक। बहन आ गई, ये पिंक दुपट्टे वाली आ रही है ना वो। आजा आजा भाई आजा, यही खड़ी हूँ। भाई 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 यहाँ पे ट्रैफिक की लंबी लाइन तो देखो। कौन सा एरिया बोलते हैं किचन इसको? है ओएनजीसी कॉलोनी। ओएनजीसी कॉलोनी और पूरा चक्का जाम है यहाँ। राधनपुर क्रॉस रोड जा रहे हैं हम लोग, सॉरी राधनपुर क्रॉस रोड जा रहे हैं हम लोग, स्लिप ऑफ टंग। और ये बस वाला बीच में घुसे रहा है, अभी ये कहाँ पे घुसेगा अंदर। हमारा अच्छा है कि हम टू व्हील लेके निकले, इसलिए हम निकल जाएंगे और ये लोग रॉन्ग साइड पे आ गए। इसको लगी है भूख तो हम लोग खड़े हैं पानी पूरी खाने के लिए। वाह मेरे को लेके आई है सब्जी मंडी, सब्जी लेने के लिए।
और वो देख रही है वो अच्छा है कि नहीं है। अच्छा ये ले लिया उसने, मतलब ये अच्छा है। वो कैबेज देख रही है, सब तो ले लिया इसने, पता नहीं क्या ही कर रही है, ले ही रही है इतनी सारी सब्जी, क्यों ले रही है बेतू? हाँ तो खाने के लिए लेते, लेकिन एक ही दिन में इतनी सारी क्यों ले रही है? कल लेके आना ना। चुन चुन के ले रही है वो, चुन चुन के। तू आएगी और कौन आएगा? उसके पास टाइम नहीं है भाई। भाई साहब ये गई है सहयोग में। नहीं 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 नहीं, कोई स्वीट लेने नहीं गई है, दूध एंड बटर मिल्क लेने के लिए गई है। मिल्क एंड बटर मिल्क, पलट पलटी। आ चुके हम लोग घर पे, बज रहे हैं रात के 7:30। ये कर रही है हमारे डिनर की तैयारी और मैं खा रही हूँ ये वाले लड्डू। भाई लोग बज रहे हैं अभी रात के 8:30, डिनर रेडी हो चुका है तो मैं अभी डिनर करके सोई जाऊँ क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। अहमदाबाद से मेहसाणा आई, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने गई, उसके बाद किंजल के साथ पूरा मार्केट घूमी, बहुत ज़्यादा थक चुकी। तो अभी अपन सो जाएंगे। तो आज का मेरा ये छोटू सा व्लॉग पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।